अरे चाबी चाबी निकाल यार, गाड़ी एकदम टकाटक। हम रेडियो पे एशिया का एकमात्र ऐसा हिल स्टेशन जो ऑटोमोबाइल फ्री। कहाँ अभी नेक्स्ट? अरे स्वस्थ रहना पड़ेगा। और आज है इंडिया पाकिस्तान का मैच, मतलब है। हेलो नमस्कार, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय YouTube चैनल MSK। अभी मुझे जाना है रवि भाई के पास। हमारी जो पोलो थी जो हमने साहिल भाई से लिया था, उसमें छुटके फुटके काम थे, तो मैंने उसी दिन गाड़ी पहुंचा दी थी रवि भाई के पास। तो अभी गाड़ी बन चुकी है, रवि भाई का कॉल आ गया है और उनके साथ फिर लंच भी करना है। आज घर जो मेरा दिख रहा है आपको पीछे बैकग्राउंड ऐसा, शायद कल या परसों से ना दिखे। ऑलरेडी बाहर का काम जो है वो चालू हो चुका है, रेनोवेशन का अभी सब वो लगा रहे हैं, पुट्टी वुट्टी प्राइमर और सब चल रहा है। तो फिर भी जज ना करना, आप दिखा देता हूँ घर का अभी हालत कैसा है। सारा सामान बिखरा बिखरा हुआ है। ये जो लैला मजनू का जो टॉयलेट यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आपको ज्यादा मैसी नहीं दिख रहा है, लेकिन बाहर बहुत ही ज्यादा है। ना दिखाए तो भी बेहतर होगा मेरे ख्याल से। थोड़ा दिखा देते दिखा देते ठीक। ये मैंने कहा था ना, ये जिम जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल जिम है, बहुत काम आता है, ये सब काम करता है। जो भी किचन का काम चल रहा था, किचन के सारे सामान जो है वो यहाँ पर हमने रख दिए, यहाँ पर रख दिए। क्या है ना, घर में ऑलरेडी सामान है, तो अभी काम करना रहेगा तो किचन का सामान यहाँ शिफ्ट करना रहेगा, जब यहाँ का काम करना रहेगा तो ये सारा सामान मेरे रूम पे शिफ्ट करना रहेगा, जब मेरे रूम पे काम करेंगे तो मेरे रूम का सारा सामान यहाँ शिफ्ट करना रहेगा। तो ऐसे शिफ्ट कर करके काम करना होगा। बाकी इस तरफ आगे बढ़ेंगे, पेड़ वेड़ भी अंदर आ चुके हैं। अगर किचन की तरफ हम जाएंगे, अब देखेंगे यहाँ पर सारे पुट्टी उट्टी लगा के सब काम हम चल रहा है। यहाँ से सारा सामान हमने हटा दिए, बालकनी की तरफ बढ़ेंगे। पहले बालकनी में लाइट नहीं था तो लाइट एक्स्ट्रा लगा दिए, ताकि बालकनी भी हम यूज करें अपने व्लॉग में। तो यहाँ पर काफी गंदा नीचे है, बाकी दीवार का काम जो है अभी चल रहा है, बट अभी हम चलेंगे अभी। चलो भाई, गोरेगांव जाना है हमें। अपने पास अभी जो आने जाने का साधन है वो टिमोन ही बचा है। टाइगर भी दी हुई है, अब पोलो भी नहीं है। टिमोन में जा सकते थे, लेकिन जाके अगर गाड़ी लेंगे तो आते टाइम फिर किधर गए, इनको चला के लेके आना पड़ेगा। तो ऐसे दो भाई बिछड़ जाएंगे वैसा महसूस होता है कि यार, नहीं बाइक होता तो बात अलग था, लेकिन जब एक गाड़ी चला रहा हूँ और एक बाइक चला रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि बिछड़ गए, लेकिन जब दो बंदे गाड़ी चला रहे थे लगते भाई भाई, तो वो वाला सीन था। तो उन्होंने चला बुक कर लेते कैब और कैब से चलेंगे। अरे किधर है सब लोग भाई, किधर छुपे छुपे छुपे। अरे धूप था, वो तो धूप के अंदर खड़ा रहने से मैं बाजू में जाके छाव में खड़ा हो गया। 3 बजे रेडियो लाइव हो गया, 4 बजे हम रेडियो में आने वाले हैं। गाड़ी एकदम टकाटक, अभी अभी धो के आई है गाड़ी, फ्रेश एकदम हर जगह से, अंदर से बाहर से। आत्मा का प्रॉब्लम सॉल्व, शरीर का प्रॉब्लम सॉल्व, अभी एकदम टकाटक सी। एक चाबी का प्रॉब्लम है, चाबी जो है, अरे चाबी चाबी निकाल यार, चाबी किधर है चाबी? ये चाबी का हाल, सब बढ़िया हो गया, बस चाबी रहे। डिजायर 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 लगा। अरे यह पानी है, अरे बाप, ये बाबा, ये शूट करने लायक जगह है, बाहर आ जा। क्या हो गया? तो फंस गया देखो कैसे। अभी एक हाथ से मैं यहाँ से निकल नहीं सकता हूँ, ये सिचुएशन दिखाने लायक है। अरे हैंडल लिया पकड़ने के लिए। अरे रवि भाई, रवि भाई फंस गया, फंस गया। ओके ओके, रेडी रेडी आ जा। यहाँ पर एक चेक इंजन लाइट आ रहा था, वो भी जा चुका है। रवि भाई अभी एकदम सेट, अभी पेट्रोल का लाइट आ रहा है, पहले पेट्रोल डालते हैं। लेते बोले क्या, दूसरा काय का लाइट है, बाकी सब एकदम क्लीन है ना। अभी एसी की हवा तो क्या स्मूथ आ रही है, ये भी क्लीन हुआ है ना अभी। अंदर वो अपन ने एसी का वो 3M का डाल के ना पूरा वेंट जो क्लीन किए किए, एकदम फ्रेश स्मेल आ रहा है। वो अपना क्या ना, गाड़ी ज्यादा पार्क रही थी ना तो उसके फंगस लग गए थे, वो उसका स्मेल आ रहा था। अभी इसको सही जगह पे पार्क करेंगे, पार्किंग की जगह मिल गई है अपनी, ये गाड़ी के लिए भी मिल गई है और अपनी जो गाड़ी आने वाली है उसके लिए भी मिल गई है। 2-3 गाड़ी का टेस्ट बाकी है ना, एक गाड़ी बचा है, घर पे खाना खाने, बाहर का खाना खाके पक गए ना, अभी घर का ही खाना। रवि भाई ने बोला प्रतीक भाई के घर में जो शेफ है वो जो खाना बनाते वो नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। उनके हाथ का दाल भी खाओगे तो वैसे हाथ चूम जाओगे, ऐसा खाना। बस देखते हैं अभी कैसा है, लेकिन मैं तो बहुत बार खाया हूँ, आप पता ना कैसा लगता है। ये पंजेरे बंद हो गई क्या अभी इंडिया में? आती है ना, आती है, आती है। पंजेरे लिस्ट में रखा नहीं हमने, वैसे ले लेंगे क्या? नहीं नहीं, टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव। आहा,
Yes, welcome. Hello. कैसे प्रदीप भाई? खाना यहाँ पर रखे रखे ठंडा हो चुका था। प्रतीक भाई ने अभी दाल गरम करके लाया। रही भाई, मेन्यू में क्या है आज हमारे? ये है आपके लिए आपकी जो फरमाइश, मशरूम, ड्राई मशरूम। कल रवि भाई ने पूछा था कि कुछ स्पेशल फरमाइश है तो बताइएगा, तो मैंने कहा था यार मशरूम खा लेंगे, यहाँ पर सब वेज खाते हैं। और ये है पनीर मसाला। पनीर मसाला जो आपको भी आता है? ये पनीर तो मतलब ठीक ही है, ठीक नहीं अच्छा है, जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए ये एक चिकन के बराबर है। एक जीरा राइस यहाँ पर है, पराठे टाइप में, पराठा टाइप। क्या खुशबू आ रही है एकदम, जैसे खुला तो अलग से खुशबू आई। अरे चलेगा, खा लेंगे, भूख लगी है इतनी तेज कि क्या बताऊं, अभी सब गरम लगेगा। अभी 4 बज रहे हैं, रेडियो सिटी 91.1 एफएम पे अपना एक शो आने वाला है। हमने 2-3 दिन पहले इंटरव्यू दिया था उसका, मतलब अभी रेडियो कनेक्ट नहीं हो रहा, कनेक्ट हो जाए। ऑनलाइन देखिए, अभी पता नहीं ऑनलाइन है क्या, सही में है क्या, रहेगा तो बल्ले बल्ले। 4 से लेकर 5 बजे तक अपना शो है, लेकिन पता नहीं क्या सीन चल नहीं रहा वहाँ पर भी। अपने प्रदीप भाई ट्राई कर रहे हैं हमारा खाना हो गया। प्रतीक भाई ने खाना छोड़ के रेडियो का इंतजाम किया है। किया किया देखो, अभी आना चाहिए, अपना आना चाहिए। अरे यार आएगा आएगा आएगा, थोड़ी थोड़ी पेशेंस इज द वर्च्यू, सो वेट। दम तोड़ दो, मतलब बेर को अगर हम रेडियो पे। वेल डन वेल डन। अभी और तो टीवी पे भी आएंगे भाई, अभी तो चालू है, शुरू है और स्टार्ट हुआ है। वैसे मैंने इंस्टाग्राम पे बता दिया था, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होगा तो आपको पता चल गया होगा ये ब्लॉग तो कल आएगा। उधर फॉलो करो, लेकिन अभी ये रेडियो मम्मी सुन रहे होंगे, डैडी सुन रहे होंगे, तो इनका ब्लॉग या फिर maharashtratourism.gov.in पर सारी जानकारी मिल जाएगी। एशिया का एकमात्र ऐसा हिल स्टेशन जो ऑटोमोबाइल फ्री, माथेरान क्या क्या ही वाई वाई करूं अभी। जब मैं ये इंटरव्यू दे रहा था ना, तब मैंने एक बात बोली थी, और वो बात जो लोग नहीं सुन पाए उनको भी बताता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि पहले मैं टेलर की दुकान में काम करता था, तो वहाँ पर हम लोग ना टीवी भी नहीं देखते थे, तो हम काम करते होते थे और रेडियो चलते रहता था। और उस टाइम पे मैंने सोचा था कि यार ये रेडियो में एक बार मैं आऊंगा तो कैसा होगा। वाह जी वाह, सिर्फ एक बार ऐसा सोचा था, और मुझे नहीं पता था कि मैं सही में रेडियो में आऊंगा। ये मेरी दूसरी बार रेडियो में मैं आ रहा हूँ। अच्छी चीजें सोचते रहो, क्या पता वो सच हो जाए। तो जब भी काम करते करते अगर कभी कभार आपको ऐसा मन करे कि बड़ी बात कर देना चाहिए, जैसे यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियां हैं, सबसे सस्ती गाड़ी जैगुआर है। अभी अगर समझ लो हम कौन सा कभी कभार अगर लाइफ में ऐसा आपको मौका मिले, ऐसा आप देख रहे हो तो बोल देने का यार एक दिन जिंदगी में जी वैगन भी ले लेंगे इंशाल्लाह, क्या पता पूरा हो जाए। ऐसा कहा जाता है कि दिन में एक बार जुमा पे सरस्वती माता आती है, तो उस टाइम पे आपकी जो कही हुई बात है वो सच हो जाती है। तो अच्छी बात बोलते रहना चाहिए, है कि नहीं? आप लोगों ने देखा होगा ना, जब मैं व्लॉग करता तो मैं बोल देता हूँ अरे बिलबोर्ड पे एक दिन अपन भी आएगा, अपन भी जाएंगे, जरूर आएंगे। तो ऐसी बातें करते रहो, अच्छा होता है, अच्छा फील भी होता है, और क्या पता नहीं हुआ तो चलो ठीक है, लेकिन हो गया तो सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, मोटिवेट करता है, बोलते रहो। ओम शांति ओम का डायलॉग है ना यहाँ पे। प्रतीक भाई ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर सारे फेमस मूवी के डायलॉग्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है, लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क होता है कभी कोई रिस्क ना लेना, और ये ओम शांति ओम का डायलॉग, उसी के बारे में हम बात भी कर रहे थे। देखो वॉल ऑफ मोटिवेशन, गुड कोट्स। एक्चुअली जो शेफ जिन्होंने खाना बनाया था, खाना बहुत अच्छा था इनका, तो अभी उन्होंने अपने हाथों से चाय बना के लाए। चाय चलो फिर शुरू करो, 4 अलग अलग कलर है, चूज योर कलर। मेरे को रेड कलर, रेड पोलो थी ना, नई कार भी आएंगी तो रेड ही रहेगी। प्रतीक भाई घर पे चाय की जूस की, शफीक को मिस करेंगे। भरे हुए कप में देख लो। हाँ बढ़िया, मैं चुस्की लेने बहुत गर्म है। प्रदीप भाई अरे कैसे? बस बढ़िया। आ तो गए कैमरे में, बोलते कैमरे में डर लगता है। थैंक यू खाना, थैंक यू खाना, मजा आया, मजा मजा कौन सा था वीडियो, मजा मजा तुसी मजा कर रहा है रिमोट काम, खुलने वाला काम कर रहा है, बंद करने वाला नहीं कर रहा है। अभी उसका भी समाधान कर लेते हैं। आ जाओ रवि भाई, पॉडकास्ट के लिए अपना जो जगह परफेक्ट बन रहा है वैसा। रवि भाई आपको दिन में कितने फोन आते हैं? बहुत आते हैं। रवि भाई के साथ नहीं रह सकते, रवि भाई को अभी मैं इनके साथ बैठा होता कम से कम 100 कॉल आ गए होंगे, दिन में 400 कॉल आते होंगे। दादा ब्लॉग जब भी ऑन कर रहे हैं पीछे रिंगटोन बजते जा रहा है। हो जाएगा ना, लेकिन हाँ कर देंगे, अरे सब हो जाता है इधर, तुम बोलो वो गाड़ी की चाबी बन जाती है। BMW बोलो, मर्सिडीज बोलो, ऑडी बोलो, मदरबोर्ड चाबी का अच्छा चाबी।
ये पुरानी चाबी, पुरानी चाबी के अर्जे पुर्जे, और ये नई चाबी। ये नई चाबी भाई, एक चीज बची थी वो भी हो गई, काम डन। आप सब फिनिश है, बोलो का सारा काम फिनिश, नाखून डाल डाल के पूरा खत्म कर दिया है सब। तो ऑल काम खत्म, फिनिश एंड एंड। चलो ठीक है, चलो टेक केयर, चलो थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं वापस। आर्या टेक केयर, कहां अभी नेक्स्ट? नेक्स्ट अभी सस्पेंस है, सस्पेंस। अरे सस्पेंस तो रहना पड़ेगा अपना। एक चीज और है, दिवाली के लिए रवि भाई ने एक गिफ्ट हमें देने वाला है, तो गिफ्ट आएगा तो देख लेना, घर पे पहुंचने वाला सीधा। गिफ्ट क्या है बता दो तो। अरे वो तो बोलता ना सस्पेंस है, आप जैसा हम अपने लोगों के साथ में खेलते, मैं भी बोला एमएसके के साथ सस्पेंस खेलेंगे। तो अपनी पोलो का, अपनी राम पीआरई 2.0 तैयार हो चुकी है, मतलब फुल ऑन कंप्लीट सारा काम, छोटे से छोटा अभी काम हमने कंप्लीट कर दिया है। अच्छा लग रहा है, गाड़ी चलाने में भी अच्छा लग रहा है, एंड देन अंदर से भी अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, मतलब सब खत्म हो गया। और आज है इंडिया पाकिस्तान का मैच, बड़े दिनों बाद, तो घर जाके इंडिया पाकिस्तान के मैच का लुत्फ उठाएंगे। बोलना नहीं है कुछ, ये एक्चुअल पार्किंग की जगह नहीं है, यहाँ पर नहीं रखेंगे। क्या बोलता है शफीक, इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहा है? अरे हालत तो देखो, मतलब है स्कोर क्या है, स्कोर 3 विकेट चले गए, अनुभवी खिलाड़ी है, क्या बात कर रहे हैं, इंडिया के 3 विकेट, अपन दबाव में खेल रहे हैं अभी, बातें ठीक। इतने बड़े स्क्रीन पे देखा जा रहा है और यहाँ पर देखो, यहाँ देखो स्कोर ये है, कुछ भी बोल रहे हैं, जीतेगी इंडिया ही, टफ होगा। चलो हम भी थोड़ा देख लेते हैं मैच। 116 रन 4 विकेट और 17 ओवर, सिर्फ 3 ओवर बचा है। व्हाट अ शॉट ब्रो, व्हाट अ शॉट, कम रन रेट है यार, तेरे को लगता है कितना जाएगा? 150-155। चलो ठीक है, देखते हैं कितना जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये जिम, हम जब कलर करेंगे तो ये जिम अपने को निकालना पड़ेगा, तो अभी देख लें, ये बिफोर है, इसके बाद आफ्टर दिखाएंगे। मैं गया था खाना खाने के लिए, खाना खा के आ गया, लेकिन शफीक जो है, शफीक यहाँ से हिल नहीं रहा, शफीक पूरा मैच खत्म होने के बाद खाना खाएगा। और अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि कितने बॉल पे कितना रन, 23 पे 23। स्ट्रेटेजी पूरा एकदम प्रॉपर है, जीतेगी तो इंडिया ही। अच्छा मैं बताना भूल गया आपको, देखो ये था यहाँ पर जिम, अब जिम यहाँ पर है। हौसला रख, ऐसे कर। इसने 10 ओवर में हार मान ली है, आखिरी बॉल पे अगर मान लो एक बॉल पे 11 रन भी चाहिए ना, मेरा ऐसा होता है कि भाई जीतेंगे, एक बॉल में 11 रन भी आएगा, हो सकता है कि 9 बॉल हो जाए, उतना उम्मीद मेरे को होता है, लेकिन ये उम्मीद पहले छोड़ देता है, तो कैसा क्रिकेटर है यार। देख 21 पे 21, जीतेगी इंडिया ही, देख ले मेरे दोस्त। आधे से ज्यादा हिंदुस्तानियों का उम्मीद छूट गया होगा, लेकिन मेरा उम्मीद अभी भी है। दोनों का रन भी देखना 64-64। शफीक जा रहा है खाना खाने के लिए। शफीक क्या ही खाऊं। शफीक को क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद है, तो शफीक को आज जितनी तकलीफ हो रही है मैं बता नहीं सकता। बहुत सारे इंडियन को, सबको हो रही होगी जिनका क्रिकेट से ज्यादा लगाव है, जैसे पहले मेरा भी था ऐसा ही, जब इंडिया हारती थी तो आंखों से आंसू आ जाते थे। अभी मैं इतना क्रिकेट देखता नहीं हूँ, लेकिन एक स्पोर्ट है तो ठीक है, अपना टाइम आएगा। अभी तो मैच आ रहे हैं बे, अपना T20 बचा है अभी। 6-0 था, 7-1 हुआ, 6-1 हुआ उसमें है, लेकिन जो बन रहा था 6-7-7-7 वर्ल्ड कप में, अपन कभी हारे नहीं थे, या पहले हारे। अरे कोई नहीं, ट्रॉफी अपने पास है। आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। वो बैठे कर खुदा हाफिज, लिव अ लाइफ, लिव अ ड्रीम, बूम बूम। इसकी एनर्जी गई। तुमको कुछ नहीं करना, इधर आओ तो ऐसा रखो खाली इधर। अरे एक्टिंग चल रहा है, तो शिव अंदर से वापस लेके आ। अरे मेरा तुम बोलो, आ गए तुम, आ गए।